हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस सिक्स के बारे में। यहां पे इसकी कुछ लाइव इमेजेस लीक हो चुकी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये रूमर्स हैं, लीक से, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आगे चल के अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों, ये वो इमेज जो यहाँ पे वन प्लस सिक्स का बाहर निकल के आया है, और जैसे कि वन प्लस की यहाँ पे हिस्ट्री रही है, वो हमेशा से एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन उतारते हैं, चाहे वो डिज़ाइन के मामले में हो या फिर स्पेसिफिकेशन के मामले में हो। तो आने वाला ये वन प्लस सिक्स भी यहाँ पे एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसको डिज़ाइन को देखें तो काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है, अगर हम इसे कंपेयर करें वन प्लस फाइव टी के साथ भी। तो वन प्लस फाइव टी आज के डेट में एक बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन है इंडिया में और बहुत ही प्रीमियम ग्रेड का स्मार्टफोन है। अभी ये वन प्लस सिक्स जो आने वाला है, और यहाँ पे ये क्योंकि अपग्रेड होगा वन प्लस फाइव टी का, तो यहाँ पे आपको और बेहतर स्पेसिफिकेशन मिलेगा, ना सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मामले में बल्कि ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में भी। हालांकि अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक छोटा सा नॉच दिया गया, ठीक उसी तरह से जैसे कि फिलहाल आपको आईफोन 10 में मिलता है। तो यहाँ पे वही आईफोन 10 को तो इन्होंने कॉपी किया, और ये भी इनकी हिस्ट्री रही है कि आईफोन से कुछ ना कुछ ये कॉपी करते हैं अपने डिज़ाइन को लेकर। तो यहाँ पे भी आपको वैसा नॉच मिलता है, जो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, और ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नॉच को इस तरह से क्यों कॉपी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस नॉच के अंदर क्या कुछ आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको इसका ईयर पीस मिल जाएगा, कुछ सेंसर्स मिल जाएंगे और इसका सेल्फी कैमरा, तो ये सब कुछ यहाँ पे नॉच में दिया जाएगा। स्क्रीन यहाँ पे करीब 6 इंच की या उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आने वाला है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे रहेगा, तो ये सब तो यहाँ पे आपको मिलने ही वाला है। इसके अलावा अगर आप बेजल्स यहाँ पे देखेंगे तो बेजल काफ़ी पतले हो चुके हैं, ऐसा लगता है ऑलमोस्ट बेजल लेस यहाँ पे स्मार्टफोन है। चाहे आप ऊपर से देख लीजिए जहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा नॉच दिया गया, और या फिर अगर आप नीचे से भी देखेंगे तो काफ़ी पतले बेजल है, ऐसा लगता है कि जैसे बेजल यहाँ पे है ही नहीं। तो सामने से जब आप इस फोन को देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम ये स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अलावा अगर दोस्तों इसका जो बैक कवर है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से लीक हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इसके बैक को देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी प्रीमियम ये दिख रहा है। ग्लास का बॉडी यहाँ पे दिया गया है इस बार, तो वन प्लस फाइव टी में आपको मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन मिलता है। मुझे पर्सनली मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, हालांकि ग्लास को यूज़ करने से यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो बहुत और भी प्रीमियम बन जाता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा रिस्क भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। और ऐसे में अगर आप बैक कवर यूज़ करते हैं इसके ग्लास को बचाने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, तो फिर जो वो पूरा डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइड हो जाता है। लेकिन फ़ोन डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखने वाला है क्योंकि यहाँ पे ग्लास को यूज़ किया गया है। दोस्तों, अगर आप कैमरा के ऊपर ध्यान देंगे तो इस बार कैमरा वर्टिकल हो चुके हैं, लेकिन साइड में ऊपर नहीं है बल्कि बीच में, और जो LED फ्लैश है उसे दोनों सेंसर के नीचे लगाया गया, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर का डिज़ाइन थोड़ा यहाँ पे अजीब है, थोड़ा अगर लंबा टाइप लगा दे तो मुझे लगता है बेहतर दिखता था, और उसके नीचे यहाँ पे इन्होंने वन प्लस की ब्रांडिंग की गई है। तो ओवरऑल एक अनदर ऑसम फ़ोन आप बोल सकते हैं जो वन प्लस सिक्स के तरफ से यहाँ पे आने वाला है, और फ़ोन डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है। और जिस तरह का इमेज यहाँ पे निकल के आया तो ये लगता है कि सही में ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई कॉन्सेप्ट है। भरोसा कर सकते हैं हम इस इमेज का, लेकिन ये फिलहाल फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो लॉन्च के वक्त हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ यार वो नॉच ये निकाल दें वहाँ से, और हो सके तो वहाँ पे छोटा बेजल लगाने से कम चलेगा, लेकिन नॉच यहाँ पे उतना मतलब इम्प्रेसिव मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन भी इसकी बताई गई है, और अगर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको वही स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिपसेट मिलेगा जो होगा 845, और इसमें 6GB की रैम मिल सकती है, और 8GB और 10GB रैम के साथ भी ये स्मार्टफोन आ सकता है। 128GB स्टोरेज इसमें दिया जा सकता है। बाकी स्पेसिफिकेशन अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ वन प्लस सिक्स आने वाला है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आपको सही में फ़र्क पड़ता है इस नॉच के वजह से, और अगर इसमें ये नॉच रहा उसके बावजूद भी क्या आप इंटरेस्टेड होंगे इस फ़ोन को लेने में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो उसे आप कमेंट करिए, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।